हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में वेलकम करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब अपने निवास स्थान पर अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, बच के रहिए, आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अपना ध्यान रखिए, स्वेटर पहने, ग्लव्स पहने और अपना ध्यान रखें, गर्म गर्म चीज़ें खाएँ, मूंगफली खाएँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है शिवाजी द ग्रेट मराठा वॉरियर, वो हमने स्टार्ट किया था, उसकी हमने 2 वीडियोस बना ली है। तो आज उसकी 3rd वीडियो है, बहुत स्मॉल वीडियो है। तो उसका जो शीर्षक है वो है शिवाजी डिफीट्स आदिल शाह एंड अफजल खान। तो शिवाजी ने कैसे हराया था आदिल शाह एंड अफजल खान को, उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है ये। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, थ्रेटन्ड बाय द राइज ऑफ शिवाजीज पावर, आदिल शाह द सुल्तान ऑफ बीजापुर अरेस्टेड हिज फादर शाहजी एंड हिज एल्डर ब्रदर। ठीक है, जो शिवाजी थे उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, और उससे जब खतरा महसूस हुआ तो उसने आदिल जो शाह था, कहाँ का सुल्तान था, द सुल्तान ऑफ बीजापुर, उसने क्या किया, जो शाहजहाँ का फादर थे शाहजी एंड हिज एल्डर ब्रदर, उन दोनों को उन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया। ओके, एंड दे वॉन्टेड टू कैप्चर शिवाजी, बट शिवाजी डिफीटेड आदिल शाह एंड रेस्क्यूड हिज फादर एंड ब्रदर। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो शिवाजी को भी कैप्चर करें, उसको भी पकड़ें, बट शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने उनके साथ युद्ध हुआ और उसको आदिल शाह को हरा दिया और अपने पिता को, भाई को छुड़ा लिया। ओके, इन 1659 CE द सुल्तान ऑफ बीजापुर सेंट अ लार्ज आर्मी अंडर हिज जनरल अफजल खान टू डिफीट शिवाजी। मतलब 1659 कॉमन ईरा में हमारे जो सुल्तान थे बीजापुर के, उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी और उसके जो जनरल थे, कौन थे, अफजल खान। क्यों भेजी, शिवाजी को पराजित करने के लिए, उनको हराने के लिए। ओके, शिवाजी प्लान्ड अ मीटिंग विद अफजल खान, और शिवाजी ने एक मीटिंग प्लान की अफजल खान के साथ। ठीक है, उस मीटिंग में क्या हुआ, इन दिस मीटिंग अफजल हैड प्लॉटेड टू किल शिवाजी, बट शिवाजी वॉज वेल प्रिपेयर्ड एंड ही किल्ड अफजल विद अ स्पेशल वेपन कॉल्ड बाघनक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाघनक, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम इस लाइन को पढ़ लेते हैं। शिवाजी ने क्या प्लान किया था, अफजल खान के साथ एक मीटिंग प्लान की उन्होंने, ठीक है, मिलने का उन्होंने डिसाइड किया। जब वो मिले तो उस मीटिंग में जो अफजल था उसने प्लॉटिंग कर रखी थी, क्या की थी, षड्यंत्र, प्लॉटिंग मतलब षड्यंत्र किया था उन्होंने, क्या षड्यंत्र किया था, ताकि वो वहाँ पर मीटिंग में शिवाजी को मार दें। बट जो शिवाजी था वो वैसे ही बहुत क्लेवर थे, वो वैसे ही पहले से ही रेडी थे, उनको पता था कि कुछ ऐसा ही होगा, तो शिवाजी वॉज वेल प्रिपेयर्ड, तो उसमें ही उन्होंने क्या किया, एंड ही किल अफजल, तो उन्होंने ही अफजल को मार दिया। और कैसे मारा, विद अ स्पेशल वेपन, एक स्पेशल हथियार से, और उस हथियार को क्या कहते हैं, बाघनक। देखिए बाघनक क्या होता है, बाघनक से अगर आप समझ रहे होंगे, जो टाइगर का आपने देखा होगा ना, ये देखिए यहाँ पिक्चर भी है, ये देखिए दिख रहा है आपको, तो इसको हम टाइगर्स क्लॉ भी कहते हैं। देखिए शेर के जो पंजे होते हैं ना, उनके नाखून कितने तेज होते हैं, अगर वो एक बार किसी को लग जाए तो कोई बचता नहीं, तो उसी तरह से एक लोहे का, आयरन का बना हुआ लग रहा है देखिए, और इसको आप इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं और इस तरह से भी, और जहाँ तक मुझे लगता है उस टाइम इस तरह से किया जाता था, और उसको सीधा उसके सीने पर या कहीं पर वार किया जाता था, जिससे बचने का कोई चांस नहीं होता था। तो ये बाघ नक है, देखिए किस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है, कितना यूनिक है और कितना डिफरेंट है ये। आजकल तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, बट उस टाइम भी देखिए कैसी कैसी चीज़ें होती थी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाघनक था, क्या था वो, टाइगर्स क्लो, अ वेपन विच हैज़ शार्प आयरन नेल्स लाइक अ टाइगर्स क्लो। अभी हमने देखा ना टाइगर्स क्लो की तरह शार्प आयरन नेल्स होती हैं उसमें, और जब नेल्स किसी को लग जाती हैं अच्छे से, तो वो उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। शिवाजीज आर्मी ईजिली डिफिटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर, और जो शिवाजी की आर्मी थी उन्होंने बहुत आसानी से, जो सुल्तान ऑफ बीजापुर की आर्मी थी उनको बहुत आसानी से हरा दिया था, तो इस तरह से वो जीत गए थे। ओके, तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था कि कैसे शिवाजी ने डिफ़ीट किया आदिल शाह और अफजल खान को। तो देखा फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा कह सकते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेव थे और कितना प्लानिंग करते थे और कितने अच्छे से उन्होंने युद्ध लड़े हैं और कितनी उन्होंने विजय प्राप्त की है, और आदिल शाह और अफजल खान को किस तरह से कैसे हराया, उसका आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा।
अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो और समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू।